अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज मैं आपको ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगी। नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स और नॉर्मल मोड्स क्या होता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ चूजिंग एक्स एंड वाई। आपने पीछे जो है ना टू पेंडुलम के स्टार्ट में आपने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स जो है सेलेक्ट किए थे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ कपल्ड सिस्टम, इज दैट दीज पैरामीटर्स गिव्स अ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। हमने ये इसलिए सेलेक्ट किए थे क्योंकि ये हमें बहुत जो है ना आसान एक्सप्लेनेशन देते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की। द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ कपल सिस्टम्स आर पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ विच द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम्स कैन बी रिटन एज सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसलिए भी एक्स और वाई को चूज करते हैं क्योंकि ये जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं कपल सिस्टम के, ये हमें इस तरह की इक्वेशन देते हैं मोशन की जिसमें वो सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है विद द कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट इन विच द ईच इक्वेशन कंटेन ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे पास दो इक्वेशन बनती थी ना, एक एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा वन स्केयर एक्स और दूसरी थी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा टू स्केयर वाई। तो वो क्या ओनली एक एक्स डिपेंडेंट है और दूसरी वाई डिपेंडेंट है। और ये भी आपने लिखा था कि एक्स इज इक्वल टू साई बी प्लस साई ए और वाई इज इक्वल टू साई बी माइनस साई ए। अब देखें जो एक्स वाली है उसमें भी सिर्फ ये एक्स डिपेंडेंट है और जो वाई वाली है वो ओनली वाई डिपेंडेंट है। तो हमारे पास ये ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एग्जाम्पल उन्होंने शो कराई है आर द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड द इक्वेशंस दैट कंटेन ओनली द वन डिपेंडेंट। इन दोनों के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही डिपेंडेंट है। ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स और नॉर्मल मोड्स पढ़ाने का ये मकसद है कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पीछे टू पेंडुलम जो आपने किया है ना उनके कोऑर्डिनेट्स और उनके मोड्स बता के। इसमें काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे फायदा देंगे। द सिंपल हार्मोनिक, ये मैंने ना इनको पार्ट्स के तौर पर आप लिख दिया। देखिए पहले था ए पोर्शन, अब है बी पोर्शन। द सिंपल हार्मोनिक मोशन एसोसिएटेड विद ईच नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड द नॉर्मल मोड ऑफ द कपल सिस्टम। वहां पर आपने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बताया था, ये आपके पास एक्स और वाई जो सिंपल इलस्ट्रेशन देते हैं उनको हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फिर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हमने क्यों लिए कि हमारे पास इक्वेशन जो हो सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट से ऑसिलेट करती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल मोड ऑफ कपल सिस्टम। ईच नॉर्मल मोड हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी कॉल्ड द नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी। कि हर नॉर्मल मोड जो है उसकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी है जिसको हम नॉर्मल मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की रेशियो जो है वो साई बी ओवर साई ए ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द नॉर्मल मोड एंड इज कॉल्ड द शेप ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये कैसे कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास रेशियो ये आपने पीछे पढ़ा होगा साई ए इज इक्वल टू साई बी। तो अगर हम साई ए साई बी के नीचे साई ए को ले जाए इज इक्वल टू वन हो जाएगा वो, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रेशियो हो गई। दूसरा था हमारे पास साई बी इज इक्वल टू माइनस साई ए, तो उसमें भी अगर हम साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू माइनस वन होगा वो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास शेप ऑफ कॉन्फिगरेशन देती है, ये वाकई शेप ही देती है क्योंकि आपने पीछे दो केसेस पढ़े थे कि अगर हमारे पास जो है x जीरो हो जाए और साई इज इक्वल टू साई बी हो जाए तो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है इन फेज टू पेंडुलम का। ये आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। इन आवर एग्जाम्पल देयर आर द टू नॉर्मल मोड्स, वन एसोसिएटेड विद द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स x एंड अदर एसोसिएटेड विद द y। अब यहाँ पर हमारे पास b पोर्शन खत्म हो गया, अब c है स्टार्ट। द शेप ऑफ द फर्स्ट मोड, हम फर्स्ट मोड की अगर हम शेप बताना चाहें तो वो क्या होगी, वो हमारे पास इन फेज होगी। वो कब होगी इन फेज, जब हमारे पास रेशियो साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू वन हो। व्हेन दे आर रिलीज ईच पेंडुलम विल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एन। ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन जो इन फेज लिखा हुआ है। अब देखो ये दोनों पेंडुलम एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जो है हमारे पास सेम मोशन कर रहे हैं, तो हमारे पास साई बी इज इक्वल टू साई होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होगी हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त दोनों पेंडुलम जो है इन फेज हैं। अब दूसरे की बात करें तो वो हमारे पास ये हैं। देखें हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो आउट ऑफ फेज होगी वो दो तरह की हो सकती है, एक में स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा होगा एक में स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो रहा होगा। अब देखें ये जो फर्स्ट फिगर है माइनस साई बी, इनके साई बी इज इक्वल टू माइनस साई ए, ये आउट ऑफ फेज है लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और नेक्स्ट फिगर जो है उसमें दोनों इनवर्ड हो रही, इसमें दोनों आउटवर्ड हो रहे हैं पेंडुलम, इसमें दोनों इनवर्ड हो रहे हैं।
इसमें भी हमारे पास आउट ऑफ फेज है, लेकिन इसमें हमारे पास सुप्रीम कैवरी कंप्रेस्ड हो रही है। इन फिगर की एक्सप्लेनेशन ये है कि इन फिगर में हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है वो इन फेज है, एक्स डबल डॉट, या आपने पीछे पढ़ा था एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। ये आपके पास एंगल फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट की, और आपने ये भी पढ़ा था कि एक्स हमारे पास है साई ए प्लस साई बी इज अ नॉर्मल कोऑर्डिनेट। आपको बता दिए कि ये मोड है, ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट है। अब जो दो फिगर्स नीचे वाली हैं वो हमारे पास आउट ऑफ फेज मोड की हैं। इसमें वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टू स्क्वायर वाई, वेयर, अब ये भी आपने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी दूसरे फेज की क्या थी, जी बाय एल प्लस टू के बाय एम, और हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू साई बी माइनस साई ए, क्योंकि हमारे पास साई बी इज इक्वल टू माइनस साई ए था इसलिए। अब ये हमें शो कराता है कि जो फर्स्ट फिगर थी वो शो कराती है विल ऑलवेज स्टे इन द इन फेज एंड साई बी ओवर साई ए विल रिमेन कॉन्स्टेंट इक्वल टू यूनिटी थ्रू आउट द मोशन। ये इक्वल टू यूनिटी होती है, ये देखिए यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू वन इन फेज के लिए। दिस इज कॉल्ड द इन फेज मोड ऑफ द सिस्टम, द शेप ऑफ द सेकेंड। अब क्योंकि हमने सेकेंड मोड स्टार्ट कर लिया इसलिए हमने उसको पॉइंट डी का नाम दे दिया। द पेंडोलम्स आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय द सेम अमाउंट सो दैट द साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू माइनस वन। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या तो ये इनवर्ड होंगे या ये आउटवर्ड होंगे, इसलिए उनका जो डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है वो इक्वल टू माइनस वन होगी। वेन दे आर रिलीज ईच पेंडोलम विल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू इज इक्वल टू जी ओवर एल प्लस टू के बाय एम रेस्ट टू पावर वन बाय टू एंड विल ऑलवेज बी आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। वो दोनों आउट ऑफ फेज होंगे 180 डिग्री और उनकी रेशियो जो होगी वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट होगी इक्वल टू माइनस वन थ्रू आउट द मोशन। अब यहाँ पर हमने सेकेंड मोड भी बता दिया, उसकी शेप भी बता दी, उसकी फ्रिक्वेंसी भी बता दी और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है ई। द बोथ पेंडुलम विल पास थ्रू द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम पोजिशन साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ वन इज अपोजिट इन साइन। मतलब जो हमारे पास आउट ऑफ फेज है उसमें भी दोनों, क्योंकि जब वो एक्सटेंड हुआ तो वापस कंप्रेस्ड भी होगा और अगर वो कंप्रेस्ड हुआ तो वो दोबारा एक्सटेंड भी होगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आते हैं, बस क्या होता है कि उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव साइन में होता है, वो अपोजिट इन साइन होता है। Hence, in a given normal mode, the both the moving part execute the simple harmonic motion at the same frequency and at the same phase constant. कि हमारे पास ये सारे normal modes जो हैं ये हमें same frequency और same phase constant पे ही simple harmonic motion show कराते हैं। Next point है f that in conclusion one can say that the although the general motion of a coupled system is not periodic. ये आपको students ने भी बताया था कि हमारे पास ये जो coupled oscillation system है इसमें हमारे पास उसकी ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक नहीं है, कि वो पीरियोडिकली नहीं ऑसिलेट कर रहे कि एक जिस पॉइंट पे गया दूसरा उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे पहुंचे। येट इफ द सिस्टम इज स्टार्टेड इन जस्ट राइट वे द मूविंग पार्ट ऑफ द सिस्टम विल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर अ सिस्टम हैविंग द टू डिग्री ऑफ फ्रीडम दे आर एग्जैक्टली द टू पॉसिबल वे ऑफ स्टार्टिंग द सिस्टम। अब हमारे पास टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, हमारे पास दो पेंडुलम्स है ना, तो दो पेंडुलम्स को जब हम इनकी स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन तो इसके भी हमारे पास दो वेज होंगे ऑसिलेशन के। ये पीछे मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, दो वेज थे कि इन फेज होगा और आउट ऑफ फेज होगा। ये इसको उन्होंने दोबारा केसेस बना के एक्सप्लेन कर दिया है। विद विच द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल ऑसिलेट डिपेंड्स ऑन हाउ वी स्टार्ट। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है ऑसिलेशन की, किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमने स्टार्ट किस तरह से किया मोशन। अगर हमने एक पेंडुलम को लेके एक एक्सट्रीम पोजिशन पे जाके छोड़ दिया तो दूसरा उसके साथ ही आया है, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी इन फेज ऑसिलेशन हो जाएगी। और अगर हमारे पास हमने एक पेंडुलम को राइट साइड पे एक्सटेंड किया और दूसरे पेंडुलम को लेफ्ट साइड पे, तो दोनों आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। इन केस ऑफ द टू आइडेंटिकल कपल पेंडुलम, अब इसमें हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास इन फेज था, जिसमें हमारे पास साई बी इज इक्वल टू साई ए है या साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू वन है। इफ द डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड एज साई बी इज इक्वल टू साई ए देन एंड ओनली देन विल द सिस्टम ऑसिलेट विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन। तो इस केस में हमारे पास ओमेगा वन की फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। द रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट रिमेनिंग द सेम थ्रू आउट द मोशन, और रेशियो सेम ही रहेगी क्योंकि वो साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू वन होगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पॉइंट, द सिमिलरली इफ द डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड एज साई बी इज इक्वल टू माइनस साई ए, यानी कि अगर आपके पास रेशियो है साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू माइनस वन,
then and only then the system oscillates with the simple harmonic motion at the frequency omega 2. The ratio between the displacement remains the same throughout the motion. इसमें भी रेशियो यही रहेगी, साई बी ओवर साई इज इक्वल टू माइनस वन, चाहे कितनी भी उनकी ऑसिलेशन हो जाए और उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू ही रहेगी. इफ द मोशन इज स्टार्टेड इन एनी अदर वे देयर विल बी नो परमानेंट रेशियो. अब देखो ये हमारे पास, ये अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक हो गई थी मोशन कि या तो वो दोनों आउटवर्ड होगी या तो दोनों इनवर्ड होगी. लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की मोशन है जिसे हमें स्पेसिफाइड किया ही ना हो तो उसकी हमारे पास कोई परमानेंट रेशियो भी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट की. ऑफ टू पेंडुलम द मोशन विल नॉट इवन बी पीरियोडिक, तो मोशन हमारे पास भी पीरियोडिक नहीं होगी. एज मेंशन अर्लियर दीज टू स्पेशल वेज ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इट्स नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. ये आपने पीछे भी पढ़ा था कि ये नॉर्मल मोड्स कहलाते हैं, यहाँ पर हमने उसको नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का नाम दिया. इस तरह देखिए हमने तीन चार डेफिनेशन कर लिए, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल मोड्स, शेप ऑफ कॉन्फिग्रेशन, टू केसेस which differentiate the shape and the normal modes of vibration. उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें पॉइंट G से. इन एन अटेम्प्ट अब इस चीज को हमने सॉल्व करने के लिए हमने दो मोशंस बनाई हैं फॉर साई ए एंड द साई बी. वी चूज टू राइट देम इन टर्म्स ऑफ द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स. हमने साई ए और साई बी को दो टर्म्स में लिख दिया एक्स और वाई के अंदर. एक्स हमारे पास एक्स नॉट कॉज ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन है और वाई हमारे पास वाई नॉट कॉज ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट है उसकी, उसका फेज भी डिफरेंट है, तो हमने उसको फाइव वन फाइव टू और ओमेगा वन ओमेगा टू के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया. यहाँ पर हमारे पास जो एक्स नॉट और वाई नॉट है वो एम्पलीट्यूड है टू नॉर्मल मोड्स के, और फाइव वन और फाइव टू जो है वो हमारे पास फेज कॉन्स्टेंट्स है. द अदर टू कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ओमेगा वन और ओमेगा टू है आर ऑलरेडी डिटरमिन्ड, ये हमने पहले से डिटरमिन किए हुए हैं. ओमेगा वन किसके इक्वल आपके पास जी ओवर एल अंडर रूट के, और ओमेगा टू आपके पास जी ओवर आर माइनस टू के बाय एम के इक्वल है. तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास साई बी प्लस साई ए एंड वाई इज इक्वल टू साई बी माइनस साई ए. यहाँ से हम ना ये फाइंड करेंगे साई ए इज इक्वल टू वन ओवर टू एक्स माइनस वन. कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या होगा आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा आपके पास साई बी प्लस साई ए माइनस साई बी प्लस साई ए. तो माइनस साई बी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा साई ए इज इक्वल टू वन ओवर टू, क्योंकि टू साई ए होगा ना तो टू को इस तरफ ले जाएगा वन ओवर टू x माइनस वाई हो जाएगा आपके पास. ये आपके पास साई बी भी इसी तरह से होगा, अगर दोनों को एड कर लें आप x और y को तो आपके पास साई बी इज इक्वल टू वन ओवर टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा. अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें साई ए में, आपके पास x और y की वैल्यू पुट करें दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे आपके पास. वन ओवर टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन माइनस वन ओवर टू वाई नॉट कॉज ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू, और साई बी में दोनों एड हो रहे होंगे आपके पास. अब यहाँ पर हमारे पास फोर डिटरमिनेंट कॉन्स्टेंट्स आ गई, एक एक्स नॉट वाई नॉट फेज फाइव वन फाइव टू. दीज आर द डिटरमिनेंट फ्रॉम एनी arbitrary initial coordinate conditions, namely the initial displacement of the two pendulum and their initial velocities. अब हम जो है ना इसकी importance बताएंगे कि क्या है हमारे पास importance of normal modes, हमने क्यों normal modes रखे थे, क्यों use किए थे. तो ये हमारे पास H portion में है, that equation 5.5 and 5.6, ये जो दो equation हमने determine की थी, shows that the psi A and the psi B are given by the linear combination ऑफ टू नॉर्मल मोड्स. इसका मतलब ये कि हमें दो जो है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है दो नॉर्मल मोड्स की, वो दो नॉर्मल मोड्स कौन से हैं हमारे पास, एक्स और वाई. द जनरल मोशन ऑफ आर एनी कपल सिस्टम कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज सुपर पोजिशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल मोड. इसका मतलब ये भी है कि ये सारे जितने भी हमारे पास पॉसिबल मोड्स थे उन सबको हमने सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल से एडअप कर दिया, तो भी हमारे पास कपल सिस्टम के अंदर हमने एक जो है ना जनरल मोशन शो करने के लिए किया. इट इज फॉर दिस रीजन दैट ऑल द डिटरमिनेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ सिस्टम इज ऑफ द वाइटल इम्पोर्टेंस, कि ये सारे जो जितने भी हमारे पास नॉर्मल मोड्स की डिटरमिनेशन के लिए हमने सिस्टम यूज किए हैं, ये इसकी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस शो करती है हमारे पास नॉर्मल मोड्स की. उसके बाद यहाँ से द पॉइंट आई, नाउ फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द स्केयर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय द ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. यानी कि आपके पास होगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी के लिए आपके पास. दस इफ बोथ पेंडुलम एग्जिस्ट द सेम रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट
दे विल ऑसिलेट हार्मोनिकली। अगर दोनों पेंडुलम की हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑसिलेट करेंगे हार्मोनिकली विद द सेम फ्रिक्वेंसी। इट इज इजी टू गेस दैट दिस विल हैपन इफ द पेंडुलम्स आर डिस्प्लेस बाय द सेम अमाउंट विद द स्प्रिंग ऑलवेज। ये तभी हो सकता है जब पेंडुलम जो होंगे वो सेम अमाउंट से हमारे पास डिस्प्लेस्ड होंगे, स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे उसकी नेचुरल लेंथ से। This is the in phase of the mod of the vibration. If the displacement of either pendulum psi A, the restoring force of small oscillations is mg psi over L, then there will be the angular frequency omega 1. कि अगर हमारे पास उसका displacement जो होगा in phase का psi हो, क्योंकि हमने दोनों pendulum को same amount में ले लिया, दोनों का हमारे पास displacement जो है psi A और psi B is equal to psi हो गया, तो हमारे पास omega 1 square is equal to restoring force divided by यानी कि per unit mass per unit displacement is equal to mg psi over L over m psi cancel हो जाएगा, आपके पास g over L हो जाएगा, यानी कि आपके पास angular frequency of first find हो जाएगी। There exists another possible configuration for which the both pendulums will execute the simple harmonic motion। अब वहाँ पर हमने first की बात की थी जब हमारे पास ratio equal to 1 होती है और जब हमारे पास restoring force for one pendulum की होगी। अब हम second की बात करें, यहाँ पर हमारे पास जो है उसकी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, बाय द सेम अमाउंट से साई द टेंशन इन द स्प्रिंग इज एन इक्वल टू द के मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ, यानी कि 2 के साई हो जाएगा आपके पास। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या होगा, एम जी साई ओवर एल प्लस 2 के साई। यहाँ से आप साई दोनों में से कॉमन ले लें तो और एम भी कॉमन ले लें तो आपके पास हो जाएगा जी ओवर एल प्लस 2 के बाय एम इंटू एम साई। आउट ऑफ फेज के लिए रिस्टोरिंग फोर्स तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये मास मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एम साई, ऊपर आपने रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू लिख दी, एम साई से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, जी ओवर एल प्लस 2 के बाय एम। इसका एंडिंग पोर्शन यहाँ पर है, वन कैन आर्ग्यू दैट देर कैन बी नो अदर कॉन्फिग्रेशन फॉर विच बोथ मूविंग पार्ट मूव विद द सेम फ्रिक्वेंसी। We will show below that for the system of 2 degree freedom there exists just 2 normal modes of vibration. हमने यहाँ तक बताया था कि हमारे पास दो normal modes of vibration थे जब हमारे पास दोनों masses identical थे। अब हम इसका difference बताएंगे कि अगर हमारे पास masses identical ना हो, वो हम इंशाल्लाह next topic में पढ़ेंगे general method of normal modes।